हेलो एवरीवन, आज हम फिर लेके आए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। आप लोगों ने देख लिया होगा कि जब भी कोई आपके स्टॉक्स को देखने जाते हो आप लोग, तो एक चार्ट सा खुल जाता है। जो भी आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, कोई भी यूज करते होंगे, तो आपका एक वहाँ ऑप्शन बता हुआ चार्ट का, उस स्टॉक का जो आप लेना चाहते होंगे या आप सेल करना चाहते होंगे या कुछ भी आपको स्टॉक के बारे में देखना हो, तो चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट एक उसका स्टॉक का एस्पेक्ट होता है जो हमें देखना पड़ता है कि हमें स्टॉक में क्या प्राइस मूवमेंट्स चल रही है पिछले कई सालों से, या अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपका 5 मिनट्स का चार्ट या 3 मिनट्स का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट आप देख सकते होंगे। तो सब ऑप्शंस होते हैं, बेसिस हम चार्ट्स के बहुत सारे फैसले लेते हैं कि हमें स्टॉक में परचेज करना है, स्टॉक बाय करना है, स्टॉक को सेल करना है, या अभी हमें स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है। उसमें आपको एक चार्ट में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है कैंडल स्टिक्स का, उनको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स, राइट। जैसे ये चार्ट आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। आप लोग ये तो अभी जो करंट चार्ट है टाटा मोटर्स का वो देख रहे होंगे। इसमें आपको रेड ग्रीन जो कैंडल्स दिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कैसे बन रहा है, क्या है ये रेड कैंडल। मैं आपको तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चार्ट्स का, सॉरी ये कैंडल स्टिक्स का, मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में आज। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज, आपको बहुत हेल्प करेगा या आपके ट्रेडिंग, मतलब आपको कुछ भी ट्रेडिंग के रिलेटेड स्टॉक्स के रिलेटेड, आपको स्टॉक मार्केट अगर आप कुछ परचेज करना है, आप जो कोई भी स्टॉक, तो आपको हेल्प करेगा ये वीडियो वो डिसीजन लेने में। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कैंडल स्टिक्स का, जो वो मैं आपको दिखा दूंगा। कैंडल स्टिक्स के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली कितने, पांच होते हैं, राइट। एक होता है बॉडी कलर जो आप देख रहे हैं ग्रीन और रेड यहाँ, दूसरा बॉडी साइज, कैंडल कितनी बड़ी है, ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं कैंडल, ये कितनी बड़ी है, छोटी है, बहुत छोटी है या बहुत लंबी कैंडल है, और शेडो पोजीशन और शेडो साइज दो इम्पोर्टेंट चीज होते हैं कैंडल स्टिक्स के। शेडो मतलब जो ये ऊपर आप ये लाइन से देख रहे होंगे, तो इसको विक बोलते हैं हम लोग, तो इसको विक, अपर विक, लोअर विक, जैसे कैंडल में आप मोमबत्ती में देख रहे होंगे जो बत्ती से ऊपर बनी रहती है वही विक, यहाँ भी इसको बोलते हैं। तो ये इसको शेडो भी बोलते हैं, आप इसको विक बोल सकते हो आप। अपर विक और बॉटम विक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद कैंडल स्टिक रेंज, कैंडल स्टिक रेंज की कैंडल स्टिक रेंज दिन में कैंडल स्टिक कहाँ से ओपन कितनी हुई थी, क्लोज कहाँ हुई थी, और हाई कितना रहा, लो कितना रहा। ये आपको कैंडल स्टिक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चार चार पांच चीजें ये याद रखनी जरूरत है आप। इसमें अब ये कैंडल है, इसमें क्या हुआ है, ओपन प्राइस सपोज यहाँ हुआ है, जो इस केस का ओपन रहता है, मैं आपको इसको हाईलाइट करता हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। इसमें मैं एरो चूज करके इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ क्या होता है इसका, ये है ओपन इसका कैंडल स्टिक का, राइट। ये ओपन है जो नीचे वाली, ये जहाँ मैंने एरो इंसर्ट किया है, तो ये ओपन है इसका। ओपन सपोज हुआ है ये स्टॉक 100 रुपीज का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसको, इस स्टॉक का प्राइस जो था ओपन में, जब मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट खुल गया तो 100 रुपये पर खुल गया ये स्टॉक, और दिन में ये स्टॉक पहुंच गया है सपोज यहाँ हाई पर, हाई इसका हुआ है सपोज 110 रुपये, ठीक है। और लेकिन जो क्लोज किया, जैसे स्टॉक मार्केट बंद हो गया उस वक्त जो प्राइस था उसका वो था 105 रुपये, राइट। तो 100 रुपये पर ही, और लो कितना हो गया है स्टॉक, लो चला गया था ये, मतलब दिन में कभी प्राइस गिर गया था इसको 95 रुपीज पर पहुंच गया था ये, ठीक है। तो ये बेसिक कैंडल स्टिक है इसका। तो क्या रहा, इसमें ओपन 100 पर हो गया, क्लोज जो प्राइस हो गया उस दिन का वो 105 रुपये पर हो गया, और हाई जो रहा था उस स्टॉक का वो 110 रुपीज रहा था। तो ये हमें बताता है कि इस दिन में इस प्राइस का मूवमेंट जो था वो पॉजिटिव था,
ओपन से जो ओपन जहां से ओपन हुआ था वहां से क्लोज करके गया था ये उस दिन का 105 रुपए में। तो इस ये कैंडलस्टिक को हम बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं, और इसको इस कैंडलस्टिक को हम लोग इस कैंडलस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। इसको हम फिल करेंगे ग्रीन कलर से, ठीक है। ये अगर ग्रीन कैंडल आपका तो ये होगी बुलिश कैंडलस्टिक हमारी, ठीक है, जिसमें प्राइस ओपन से ज्यादा पर क्लोज हुआ है दिन में, ठीक है। दूसरी कैंडल क्या होती है, इसमें क्या हुआ है, ओपन हुआ है सपोज 100 रुपीज पर, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज पर ओपन हुआ है ये स्टॉक, और फिर ये स्टॉक ओपन होते हुए गिर गया, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है। ये मतलब स्टॉक बहुत नीचे आया, और सपोज ये यहाँ क्लोज हुआ है, मैं यहाँ इसको प्राइस भी मार्क कर देता हूँ, जो लो रहा स्टॉक का वो ओपन हुआ था इतना, ये तकरीबन 90, और जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था वो था 91, करेक्ट। तो इस स्टॉक में क्या हुआ, इस दिन ओपन हुआ 100 रुपीज पर, लेकिन जो क्लोज प्राइस किया है इसने, जैसे 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, उस वक्त जो प्राइस था इसका 95 रुपीज, तो 5 रुपये डाउन था। तो इस कैंडलस्टिक को हम बोलते हैं, ये है बेयरिश कैंडल, क्या बोलते हैं, बेयरिश कैंडल। तो इसका ये डिनोट करता है कि इस दिन का प्राइस जो था वो ओपन प्राइस से नीचे गिर गया, राइट। इस दिन सेलर्स ज्यादा थे, उनने सेलर्स ने ज्यादा, उसमें बायर कम थे इस मार्केट मतलब इस दिन के, और इस उनने प्राइस का जो मूवमेंट था उसको ओपन ना जाने नहीं दिया, तो उस दिन की जो कैंडल स्टिक बनती है हमारे लिए वो रेड है। सिमिलरली अगर आप इसको मंथली भी देख सकते होंगे, वीकली भी देख सकते होंगे, तो आपके चार्ट में ये ऑप्शन होते हैं, तो आप यहाँ ये चेंज करके वीकली आप कुछ भी आप चेंज करके आप यहाँ मिनट्स का जो मैं बताया इंट्राडे का आवरली लगा सकते हो, या वन डे का चार्ट लगा सकते हो, तो वो चूज करके आप अपना चार्ट देख सकते होंगे उस स्टॉक का, ठीक है। सो 5 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। बॉडी कलर, किस कलर की कैंडल है, जैसे ग्रीन है इसका मतलब है ये बुलिश कैंडल थी, ठीक है, और रेड कैंडल ये बेयरिश कैंडल है, उस दिन का प्राइस डाउन हुआ है स्टॉक का, और शेडो पोजिशन और शेडो साइज, शेडो पोजिशन मतलब वीक आपको डिनोट करता है कि उस दिन का हाई कितना रहा और लो कितना रहा उसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, कितना मतलब ना क्लोज 95 पर हुआ था इस दिन, लेकिन एक्चुअल में गिरा था ये 90 रुपीज तक, 10 रुपए का गिरावट थी स्टॉक में, तो ये आपसे वीक से पता चलता है, जो मतलब टॉप में शेडो होती है और बॉटम में शेडो होती है, और आपका जो रेंज दिन में रहा है इस कैंडल का, ठीक है। ये 5 एस्पेक्ट है कैंडल स्टिक के जो चार्ट पर, ठीक है। सो बेसिक रूल क्या है कि जब बायर्स एक्सेप्ट करते हैं सेलर का प्राइस, तो प्राइस अप होगा, व्हेन बायर्स एक्सेप्ट व्हाट द सेलर्स आस्क द प्राइस विल गो अप। सो मैं और जब जब व्हेन सेलर्स एक्सेप्ट व्हाट द बायर्स बिड द प्राइस विल गो डाउन। ये तो बेसिक फंडामेंटल रूल है मार्केट का, बाकी की जो आप जो जो मार्केट में प्राइस एक्शन रहता है वो दो चीजों पर रहता है, कि बायर्स और सेलर्स किस प्राइस पर एग्री करते हैं उसको बेचने में या उसको खरीदने में, ठीक है। अगर मैं एक स्टॉक मैंने ली, मैंने एक स्टॉक सपोज मैंने मेरे पास पड़ा था ये, मैंने 100 रुपीज का लिया था या मैंने इसको 90 रुपीज का लिया था, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैं इसको प्राइस डालता हूँ कि मुझे बेचना है स्टॉक को 105 रुपीज, राइट। अगर तो उसको 105 रुपीज में कोई बायर बैठा है जो उसको लेना चाहता है उस प्राइस में, तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर दिन भर इस प्राइस का जो मोमेंट था कि सभी लोग उस स्टॉक को लेना चाहते थे, जितने भी बायर थे उस प्राइस पर लेना चाहते, 105 रुपये रेडी थे उस पर प्राइस लेने पर, सो वो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा उसका, जितना डिमांड होगी उस प्राइस की, डिमांड एंड सप्लाई का गैप है ये, जितना डिमांड बढ़ जाएगा उतना प्राइस उसका बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो ये बेसिक रूल है कि जब बायर्स ज्यादा होंगे और बायर्स की डिमांड जो होंगी वो फुलफिल हो रही होंगी, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता रहेगा, ठीक है। जब सेलर्स ज्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस क्या होगा, डाउन होता रहता है, ठीक है। सो
मैंने ये आपको पहले बता दिया कि यहाँ मैं फिर डिनोट कर रहा हूँ ये सब चीजें, मतलब डिनोट करके रखी है मैंने। यहाँ प्राइस पॉइंट ए पर ओपन हो गया, जो मैंने पहली वाली स्लाइड में आपको दिखाया था, ओपन हो गया ए पॉइंट पर। इसमें क्या हुआ है, सेलर्स मूव द मार्केट एंड पुश द प्राइस डाउन टू बी, जो मैंने बता दिया ओपन हो गया, लेकिन सेलर्स आ गए, उन्होंने इसको बेचा बहुत नीचे तक लेके गए, पॉइंट बी तक लेके गए, जो हम लो जिसका बना, जो मैंने पहले बताया था 100 रुपीज से उसको लेके गए 95 तक या 90 रुपीज तक। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स फिर मार्केट में आ गए, सॉरी बायर्स फिर मार्केट में आ गए, उन्होंने पुश किया प्राइस को और इसको पहुंचा दिया यहाँ तक पॉइंट सी तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़ी से बहुत सेलर्स फिर आ गए मार्केट में, उन्होंने क्या किया काम, उस स्टॉक को बेचा, बेचने पर इसको जो क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग का प्राइस मिला इस प्राइस स्टॉक का, वो था डी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी चार्ट में जो पहली इंट्रोडक्शन स्लाइड थी कैंडलस्टिक की, उसमें दिखाया है, ठीक है। तो जितना कैंडलस्टिक का जो बॉडी साइज है वो डिनोट करता है कि उसमें कितना प्राइस एक्टिविटी रही है उस दिन की। यहाँ इस कैंडलस्टिक में क्या रहा है कि रिप्रेजेंट प्राइस मूवमेंट जो मैंने बताया कितना रहा है इसमें, कि बायर ज्यादा थे या सेलर ज्यादा थे। जितनी बड़ी कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है कि मतलब ये बहुत सारे बायर्स थे इस दिन में, प्राइस इसको जो वो उसको खींच गए थे ऊपर की तरफ। सिमिलरली इस बार दूसरी वाली कैंडल में जो रेड कैंडल है, इसमें क्या थे, सेलर ज्यादा थे और यहाँ प्राइस को नीचे लेके आए थे, बहुत मतलब बहुत गैप रहा प्राइस के बीच, ओपन और क्लोज के बीच, ठीक है। सो ये बेसिक कैंडलस्टिक की जो कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर है वो है। कैंडलस्टिक का रेंज जो मैंने आपको पहले बताया दिया कि यहाँ जो कैंडल वन है, जो एक जिसके नीचे लिखा हुआ कैंडल के नीचे, इसमें क्या है, अपर विक और लोअर विक नहीं है। इसका मतलब है ओपन 100 पर हो गया था, क्लोज 50 पर, सपोज 110 पर हो गया था, ये ओपन से नीचे नहीं आया प्राइस, ठीक है। ओपन 100 पर था, 100 पर ही रहा, उसे 98 95 तक नहीं पहुंच ले गया, ये सीधे गया फिर 105 110 जो भी टॉप था इसका प्राइस वहां तक, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग वही बनी थी, तो पूरा दिन इसका बाइंग प्रेशर रहा इस कैंडल पर। तो इसमें दिखता है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहा था बायर्स का और जिसने इसको प्राइस को ऊपर की तरह लेके गए थे। इसमें दूसरी कैंडल में क्या हुआ है, इसमें थोड़ा रेंज कम हुआ है, क्या हुआ है क्योंकि इसमें शॉर्ट शेडो बन गया है। शेडो मतलब क्या, ऊपर से बन गया है कि यहाँ सेलर आ गए थे और थोड़ा बेचा था उन्होंने स्टॉक, क्लोजिंग इसको यहाँ 100 रुपीज पर ओपन सपोज हो गया था सेम, और क्लोजिंग हायर गया ये 110 तक, लेकिन जो क्लोजिंग थी इसकी, इसकी क्योंकि वीक बनी थी यहाँ, क्लोजिंग जो इसकी है 95 पर हो गई थी, सॉरी 105 पर हो गई थी, जिसकी जो दिखलाता है मैं हमें कि इसमें जो बाइंग प्रेशर था थोड़ा कम हो गया था बीच में, ठीक है, या डी क्लोजिंग पर के आसपास। थर्ड कैंडल जो है वो रेड में है, इसमें क्या हुआ, इसको क्या हुआ था, इसमें रेंज कम हो गए थे, इसमें बाइंग और सेलिंग का रेंज बहुत कम हो गया था, बायर और सेलर्स बहुत कम हो गए थे इसमें, तो ऑटोमेटिकली इसका रेंज जो है कैंडल का बहुत छोटा बन गया था। तो इसमें इनडिसीजन था कि मतलब इसमें मतलब ज्यादा ना बायर्स थे ना ज्यादा सेलर्स थे, ठीक है। तो ये कैंडल हमें ये ऐसा दिखाता है। दूसरे नीचे वाले इसमें जो एग्जाम्पल है इसमें देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट में सेम बायर्स इन कंट्रोल में थे, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया था बीच में, लेकिन लेकिन इसमें बायर्स कंट्रोल में थे। सेकंड क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, इंक्रीज क्लियर बायर्स फिर बढ़ गए थे, उन्होंने प्राइस को थोड़ा आगे खींचा था, फर्स्ट कैंडल से आगे खींचा था प्राइस, ठीक है, थोड़ा लेकिन कैंडल का लो भी बन गया था, वीक भी बन गई थी डाउन में, दैट मीन प्राइस थोड़ा डाउन भी गया था, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग थी वो अप थी, ठीक है। तो इसमें भी कमिटमेंट आई रही है। यह थर्ड कैंडल में क्या हुआ है, इससे भी बढ़कर कैंडल बन गई है। इसमें क्या हुआ है कि प्राइस बायर जो थे वो प्राइस देने के लिए रेडी थे, जितना हाई था उस कैंडल का, ठीक है, अगर 105 110 107, तो जितना वो प्राइस सेलर बेचने पर उसको रिपोर्ट कर रहे थे उतना वो बायर उसका रेडी था परचेज करने में। सो ये है बेसिक कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारी कैंडलस्टिक्स होती है, डॉजी, हरामी, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर, तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको यही बता देगा, वो आपको थोड़ा टाइम लग जाए उसको, जब आप वेब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग उसको भी आहिस्ता आहिस्ता मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको सिखा दूंगा वो।
कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो ये चार्ट था, ये चार्ट है टाटा मोटर्स का जो मैंने पहले भी बताया आपको। तो इस चार्ट में क्या है, ग्रीन रेड कैंडल्स बनी हुई है। सो यहाँ आप देख रहे हो ये जो कैंडल जिसमें मैंने कर रखा है, इसका देख रहे होंगे आप कि इसका प्राइस देख लो, यहाँ दिख रहा है प्राइस ओपन ऊपर और नीचे, और यहाँ सी सी जो मतलब है क्लोज, आप कर सकते देख रहे हो ओपन और सी क्लोज, एल है लो एच है हाई। ठीक है, अब इस कैंडल पर लेके चलते हैं कर्सर। ठीक है, इसमें देख लो ओपन 236.90 और क्लोज 236.220, सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस। सो यहाँ इनडिसीजन है। ठीक है, ओपनिंग और ओपन और क्लोज उस दिन का प्राइस का सेम रहा, तो इस दिन का कोई मोमेंटम नहीं रहा स्टॉक। ठीक है, तो ये दिखाता है। इस कैंडल पर चलते हैं, इस ग्रीन कैंडल पर। ठीक है, इस दिन का क्या था, ओपन 230 से हुआ क्लोज 245 पर हो गया। आपको देख लो कैंडल कितनी बड़ी बन गई है। ठीक है, और हाई कितना रहा 252, इसका वीक ऊपर की तरफ है, तो इस कैंडल का हाई 252। तो 230 से ओपन हुआ प्राइस, यहाँ ओपन हो गया प्राइस और सीधे लेके चले गए ये लोग कहाँ, 252 का दिन में, और फिर एंड जब हो गया दिन का तो यहाँ क्लोज किया इन्होंने 245 रुपीज पर। तो दिन की मूवमेंट कैंडलस्टिक है, इसलिए कैंडल इसका जो रेंज है बड़ा है, रेंज है। यहाँ देख रहे हो आप सेम यहाँ हुआ है, यहाँ कितना प्राइस पर ओपन हुआ स्टॉक 285 पर, और क्लोज कितना हुआ 323 रुपीज पर। मैसिव मूवमेंट रहा इस दिन का, अराउंड 47 वीक का है कैंडलस्टिक है, तो मैसिव इस वीक में मैसिव मूवमेंट रहा प्राइस का, तो 47 रुपीज पड़ गया है। तो आप कैंडल की जो रेंज है वो भी देख रहे होंगे, दूर से पता चलता है कि इस दिन का बुलिशनेस कितनी रही है। तो इसको मैं आप डेली भी दिखा सकता हूँ आपको, या अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आर्ली भी देख सकते होंगे, लेकिन हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ इसको चार्ट को डे वाले टाइम फ्रेम पर लेके आते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप रेड कैंडल, यहाँ मैंने आपको पहले बताया इनडिसीजन है, डॉजी बना हुआ है, कोई मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम यहाँ कि यहाँ के बराबर रहा है बायर्स एंड सेलर्स बराबर रहे मार्केट। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, ये कैंडल्स बनी देख रहे होंगे और लंबी लंबी कैंडल्स बनी है रेड कैंडल्स। ओपन कितने किस में हुआ था जो मैंने पहले बताया था, रेड कैंडल बनी ओपन यहाँ हो गया था कितने 399 ऊपर आप प्राइस देखेंगे ये वाला प्राइस। ठीक है, सो ये ओपन जहाँ मेरा कर्सर है ओपन क्लोज ये प्राइस है। सो यहाँ आप देख रहे होंगे ओपन हुआ है 399 रुपीज में और क्लोज कितने में हुआ है उस दिन का 371 रुपीज। तो दिन की जो गिरावट रही स्टॉक में वो 24 रुपीज की रही, तो तभी इतनी बड़ी कैंडल लॉन्ग कैंडल बनी है उसकी प्राइस की उस दिन की। सो कैंडल स्टिक से हमें ये पता चलता है कि उस दिन का प्राइस मूवमेंट क्या रहा है स्टॉक का, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं हम कि हमें क्या करना है स्टॉक में, हमें एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक कैंडल के बेस पर हम नहीं डिसीजन लेते, हम इसको कंबाइन करते हैं लास्ट वीकली कैंडल से, वीक में क्या चल रहा है ट्रेंड के हिसाब से जो हमारी एंट्री बनती करनी है कि हमें किस बेस पर एंट्री करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए कर लेनी है, इंट्राडे के लिए करनी है। तो इंट्राडे के लिए हमें एक कैंडल का भी हेल्प मिल सकता है, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट जो हमारा होराइजन रहता है उसका एंट्री का बहुत शॉर्ट रहता है, कुछ मिनट्स हो सकते हैं, एक आवर हो सकता है, तो उसी हिसाब से हम एंट्री करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक ही कैंडल पर नहीं देखना होता है, तो हमें देखना होता है कि कैंडल स्टिक का प्रीवियस कितना रहा है, अब कितना चल रहा है, थोड़ा उसको मैच करना ओपन क्लोज प्राइस को, उसके हिसाब से हम एंट्री करते हैं। लेकिन वो थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको सिखा दूंगा। तो ये आपका होपफुली आपको आज आइडिया लग गया होगा कैंडल स्टिक क्या चीज़ है, कैंडल कैसे बनती है, कैंडल में क्या पांच एस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, और रेड कैंडल क्या होती है और ब्लू कैंडल क्या होती है, और कैंडल में वीक वीक क्या होता है, कैंडल में अपर वीक और लोअर वीक। ठीक है, होपफुली मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है इस पर तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उस पर रिप्लाई करने की। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब भी या लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।